नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से हर्ष का दिन है और हर्ष का दिन मैं अक्सर अपने वीडियोस में तब बात करता हूं जब हमारी कोई भविष्यवाणी सही होती और वो भी सिग्नेचर के माध्यम से। एस्ट्रोलॉजी आईक्यू हमारा चैनल है और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इस पर मैं भविष्यवाणी करता रहता हूँ। भविष्यवाणी कौन सी? भविष्यवाणी है केएल राहुल की शादी की। मैंने आज से लगभग 10 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने भविष्यवाणी की थी कि केएल राहुल का आगे कैरियर कैसा होगा और शादी कब होगी। तो शादी पर मैंने अपने वीडियो में लास्ट में बोला था कि इनकी उम्र के 31 और 32 में हमें शादी की शुभ सूचना मिलेगी और अभी इनका 31वां ही चल रहा है। 3 महीने बचे हैं इनके 31 पूरे होने में, यानी कि 32 से पहले इनकी शादी हो गई 31वें में। कहने का मतलब ये है कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से की गई भविष्यवाणी एक बार फिर से सही हुई। तो ये अपने उन सभी दर्शकों के लिए है और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी के लिए एक भरोसे की बात हो जाती है। कॉन्फिडेंट व्यक्ति और हो जाता है कि चलो हम जिस विद्या पर यकीन कर रहे हैं, जिस विद्या को हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो कितनी सटीक है। और उसी तरह जैसे हम कुंडली, हाथ की रेखा, सामुद्रिक शास्त्र और नाड़ी शास्त्र के माध्यम से भविष्यवाणी करते हैं, वैसे सिग्नेचर के भी माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है। ये एक बार फिर से बात सिद्ध हुई और मैं यही चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि वे आप इन सभी जो हमारे वीडियोस हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिससे आपको सीखने को भी मिल रहा है, वो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सिग्नेचर को ठीक कर सके। और जरूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हम जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तो वो हमसे काफी पे कर लेता है, पैसे ज्यादा लेता है, उपाय बताता है तो 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए तक के उपाय, कोई हवन, कोई कुछ। सिग्नेचर में ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नेचर में बस आपको अक्षर ठीक करने होते हैं, उनकी बनावट ठीक करनी होती, और हर एक अक्षर का जो बनावट होती है, देखिए अक्षर इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्षर की बनावट इंपॉर्टेंट है, बनावट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिग्नेचर का वास्तु इंपॉर्टेंट है। वो बना करके ही सिग्नेचर को ठीक किया जा सकता है और अपने भविष्य को बदला जा सकता है। मैं एक बार फिर से आप सभी को यही निवेदन करूंगा कि आप अपने YouTube के माध्यम से, WhatsApp के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस बातों को फैलाएं, प्रेषित करें, लोगों तक पहुंचे, ताकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भला कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सके। तो और साथ में जो हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में वो नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अपने सिग्नेचर को बदल करके अपना भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं, भविष्य ठीक कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपका वर्तमान से भविष्य, जो भविष्य है वो आज के वर्तमान से बहुत बेहतर होगा, ये मेरी गारंटी है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, दावे से मैं कह सकता हूँ। तो आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।